नमस्कार दोस्तों, आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसका नाम है चूरचूर नान। ये रेसिपी बहुत ही फेमस है, तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम नान का आटा गूनेंगे। नान का आटा गूनने के लिए एक बाउल में हम 1/4 कप दूध ऐड करेंगे। उस दूध के अंदर हम 1/4 कप ही दही भी ऐड करेंगे और अब उसके अंदर 2 चम्मच तेल डालेंगे। ये तेल कोई भी आप तेल ले सकते हैं। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डालेंगे। अब हम इस मिश्रण में 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग पाउडर हम सिर्फ 1 पिंच डालेंगे, बहुत ही थोड़ा सा। अब हम उसके अंदर पूरे 1 कप मैदा डालेंगे। यह लगभग वजन में 200 ग्राम होगा। अब इसे धीरे धीरे चलाते हुए हम आटे को गूनेंगे कुछ इस तरीके से, और इसे लगातार चलाते रहेंगे। आप चाहे तो अपने हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे फ़िलहाल स्पून के साथ घुमा रही हूँ, मैं अपने हाथों को भी यूज़ करूँगी। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और थोड़ा सा और गूनेंगे। देखिए, इसे हम तब तक गूनेंगे जब तक ये थोड़ा मुलायम ना हो जाए। इस आटे को गूनने में 3 से 4 मिनट लगते ही हैं, और इसे तब तक गूनना है जब तक आपके हाथ खुद ब खुद साफ ना हो जाए। देखिए, हमारा आटा गून कर बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल मुलायम बन चुका है। अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे चारों तरफ से, और इसे हल्के गीले कपड़े के साथ ढक कर पूरे 1 घंटे के लिए रख देंगे। आइए अब हम नान में भरने वाले मिश्रण को तैयार करते हैं। इसे तैयार करने के लिए 2 उबले हुए आलूओं को कद्दूकस कर 1 बाउल में डालेंगे। 1/2 कप करीबन 50 से 70 ग्राम तक पनीर, उसे भी कद्दूकस करके मिलाएंगे। 1 बड़ा प्याज कटा हुआ हम मिक्स करेंगे। 1 हरी मिर्च को बारीक काट कर इसे मिश्रण में मिक्स करेंगे। अब हम कुछ लाल मिर्च के फ्लेक्स 1/2 चम्मच मिक्स करेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। काली मिर्च डालेंगे हम 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच कोरिएंडर सीड्स डालेंगे और अनारदाना 1/4 चम्मच डालेंगे। 1/2 चम्मच ही हम आमचूर डालेंगे। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप इसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार करेंगे। अब हम इसके अंदर कुछ धनिया पत्ती और कुछ पुदीना की पत्ती भी मिक्स करेंगे। इसे थोड़ा आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने 1/2 चम्मच डाला है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे इस तरीके से। देखिए, ये मिश्रण बिल्कुल तैयार हो चुका है। आइए अब हम नान बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम फ्लोर पे थोड़ा सा आटा टेस्ट करेंगे, और ये जो आटा हमारा है बिल्कुल तैयार है। इसे हम अब एक बार ही दोबारा हल्के से और नीट करेंगे ताकि इसका जो डो है ये बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाए। देखिए, इसे हम रोल करते हुए और फोल्ड करते हुए करेंगे। ये हमने रोल किया, अच्छे से रोल किया हमने आटे को, और हल्का सा हाथों से प्रेस करके फोल्ड किया। इस तरीके से आटा ये दोबारा फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगा। इसे 2 भागों में बांटेंगे और अब हम एक आटे की लोई बनाएंगे। इस पर आटा लगाकर हम इसे अच्छे तरीके से बेलेंगे, और इसे हम पतला पतला बेलेंगे, तकरीबन कुछ इस तरीके से पूरा फैलाएंगे। अच्छे से फैलाने के बाद अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। आप घी अपने हाथों से भी लगा सकते हैं और ब्रश से भी लगा सकते हैं। अच्छे से चारों तरफ घी लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आटा हम छिड़केंगे। अब हम इसे रोल करेंगे। रोल करते हुए हम इसको लंबा करेंगे, और लंबा करते करते हम इसकी एक लोई बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से हमने इसे लंबा किया, और इसे घुमाते हुए हमने एक इसकी लोई बनाई, और इस तरीके से इसे किनारे से लॉक कर देंगे। आटे में लगाएंगे और इसे अब इसे
हम हाथों से ही थोड़ा थोड़ा बड़ा करेंगे और इसे एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह। बस अब हम इसके काट कर दो हिस्से करेंगे। अब एक लोई को उठाकर इसे थोड़ा सा फ्लैट करेंगे हाथों से ही और उसमें हम अपना आलू मिक्सचर भरेंगे। देखिए ये आप अपनी तरफ से भर सकती हैं या जितना चाहें। अब हम इसको आटे की लोई को ऊपर की ओर मोड़ते हुए उस लोई को बंद करेंगे जिससे वो मिश्रण बाहर ना आए। अच्छे से लॉक करेंगे, हल्का हल्का दबाएंगे, उसे फ्लैट करेंगे लोई को। और अब आटे में एक बारी लगाने से पहले उसके ऊपर धनिया पत्ती या पुदीना पत्ती कुछ भी हम लगाएंगे। एक तरफ लगाने के बाद एक बार आटे में लपेट कर उसे हम हाथों की सहायता से धीरे धीरे फ्लैट करेंगे। आप चाहें तो बेलन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ हाथों से ही इसे फ्लैट करके दिखाऊंगी। देखिए ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बड़ी साइज़ में होती जा रही है। अब इसे धीरे 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 प्रेस करते हुए हम एक पर्टिकुलर साइज़ में करने के बाद तकरीबन 1 सेंटीमीटर मोटा रखेंगे। और अब हम नान को उठाकर उसके ऑपोजिट तरफ में जहाँ पर हमने मिंट लगाया है, मिंट पत्ती लगाई है, उसके ऑपोजिट तरफ हम पानी लगाएंगे और अब इससे हम अपने तवे के ऊपर छोड़ देंगे। हल्का हल्का किनारों से प्रेस करेंगे ताकि ये तवे के साथ चिपक जाए। तवे को उल्टा करेंगे और आँच के ऊपर नान को सेकेंगे। देखिए कैसे हल्के हल्के निशान आ रहे हैं जो कि पता चल रहा है कि हमारा नान बहुत अच्छे से पक रहा है। नान धीरे धीरे फूल भी रहा है और ये बहुत ही सुंदर अच्छी तरीके से पक रहा है। किनारों से भी आँच लगाएंगे ताकि नान को किनारों से पकाना बहुत ज़रूरी है और ये किनारों से पकता है तो नान को तवे से छुड़ाने में भी आसानी होती है। देखिए अभी बिल्कुल पक चुका है और अब हम इसे नान को तवे से अलग करेंगे। नान बहुत ही अच्छे से पका है, सामने से भी बहुत अच्छे से पका है और नान का अगर आप पिछला तरफ देखिए तो बिल्कुल पक चुका है। अब नान को खड़ा कर कर आँच के ऊपर हम बहुत धीरे धीरे से घुमाते हुए पकाएंगे, चारों तरफ से पकाएंगे। नान पके हुए नान जो होते हैं एकदम कुरकुरे हो जाते हैं, जो ऐसे लाल लाल हो जाते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और जो चूर चूर नान होते हैं वो उनका तरीका यही है बनाने का। तो देखिए ये अब हमारे नान बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। सच में देखने में बहुत ही यमी लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं और हर तरफ से पके हुए हैं, पूरी पूरे पूरी तरफ से नान के जो किनारे हैं अच्छे से पके हुए हैं। तो देखिए ये देखिए अब हम इसको आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, सच में ये बहुत ज़्यादा गर्म गर्म है। और ये देखिए इसमें कितने सारे क्रैक्स पड़ गए हैं और ये ऊपर का तो पूरा एकदम से अलग ही हो गया है। और ये इसके अंदर की फीलिंग देखिए बिल्कुल चारों तरफ से दिखाई दे रही है। सो टिल नेक्स्ट रेसिपी, बाय बाय। सो फ्रेंड्स टिल नेक्स्ट रेसिपी, बाय बाय।